नमस्कार। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से थ्री हेल्दी मॉर्निंग जूस है जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बॉडी में जो गंदगी है उसे निकालते हैं। आप सब पी सकते हैं, बहुत हेल्दी है। फर्स्ट है बीट रूट का जूस। इसके साथ साथ आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं। गाजर और बीट रूट को मिक्स करके जूस बनाकर पी सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको चाय, कॉफ़ी, दूध नहीं पीना है। अब हम देखते हैं बीट रूट के जूस के फ़ायदे क्या हैं। रिसर्च में ये पाया गया है जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन लोगों को बीट रूट का जूस पीने से फ़ायदा मिला है। तो बीट रूट का जूस हाई बीपी को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, तो हाई बीपी वाले बीट रूट का जूस ज़रूर पिए। बीट रूट में नाइट्रेट होता है जो शरीर की मांसपेशियां मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो बीट रूट का जूस पीने से मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बीट रूट का जूस मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। जिन लोगों को कुछ याद रखने में करने में प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को, बुज़ुर्गों को, वैसे तो सभी लोगों के लिए बीट रूट का जूस अच्छा है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बीट रूट में बहुत इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। फैट बिल्कुल भी नहीं होता, कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती, और वज़न कम करने में, कंट्रोल में रखने में, नॉर्मल में रखने में बीट रूट हेल्प करता है। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, खुद को हेल्दी बनाना चाहते हैं, वो बीट रूट का जूस ज़रूर पिए। बीट रूट कैंसर जैसे रोगों में काम आता है। इसमें बेटालेन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर जैसे सेल्स को बढ़ने से रोकता है। अगर शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो तो मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, कमजोरी आ सकती है। तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए बीट रूट अच्छा है। अगर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो दिल की बीमारी भी हो सकती है। बीट रूट में आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर ऐसे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दांत और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बीट रूट बहुत अच्छा फ्रूट है। प्रेगनेंसी में बीट रूट का जूस पीने से प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा कम होता है, और बेबी की ग्रोथ के लिए बीट रूट का जूस अच्छा है। बीट रूट में B10 एंटीऑक्सीडेंट होता है जो लीवर में फैट जमा होने से रोकता है, लीवर को हेल्दी बनाता है। बीट रूट बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बीट रूट का जूस स्किन को ग्लो बनाने के लिए, एजिंग को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, आयरन की कमी है, उनके लिए बीट रूट बहुत हेल्पफुल है। गाजर का जूस पीने से पिंपल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, एजिंग की प्रॉब्लम दूर होती है और फेस पे ग्लो आता है। गाजर का जूस हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है और थकान से दूर रखता है। गाजर का जूस आँखों के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एंड दांतों के लिए, मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिन लोगों को गम से खून निकलता है उन लोगों के लिए गाजर का जूस बहुत अच्छा है। जो लोग अपना चश्मा हटाना चाहते हैं, अपनी आई साइट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए गाजर का जूस बहुत हेल्पफुल होगा। गाजर में ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर इम्पोर्टेंट होता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। गाजर एंड बीट रूट के जूस ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में करते हैं, तो शुगर वाले पेशेंट के लिए ये दोनों अच्छे हैं। सेकेंड है ग्रीन वेजिटेबल का जूस। इसमें आप पालक है, मेथी है, ऐसे जूस पी सकते हैं। इसके बाद भी चाय, कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। वेजिटेबल जूस लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है एंड रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है।
वेजिटेबल सूप में विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आँखों के लिए एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल जूस हार्ट को हेल्दी रखता है, पित्त जो बढ़ता है हमारे बॉडी में उनको कंट्रोल में करता है, नॉर्मल करता है, लीवर को हेल्दी रखता है एंड हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषारी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है, फैट को कम करता है। तो वेजिटेबल सूप के, वेजिटेबल जूस के इतने सारे फायदे हैं। जूस को टेस्टी बनाने के लिए आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। बहुत लोग शुगर ऐड करते हैं और कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, इसे अवॉइड कीजिए। थर्ड है लेमन जूस, इसमें आप नेचुरल हनी भी ऐड कर सकते हैं। लेमन में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये सब प्रोटीन्स हमारे हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें नींबू में ये पाए जाते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए नींबू पानी अच्छा है। लेमन वाटर, लेमन जूस हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। खाना जो हम खाते हैं ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, फैट में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो नींबू पानी फैट को कम करने में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो इससे वज़न भी कम होता है, पिंपल्स, एजिंग, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, इन सभी प्रॉब्लम में नींबू पानी हेल्प करता है। फेस पे ग्लो आता है एंड नींबू पानी ज़्यादा देर तक बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। हाई ब्लड शुगर को नींबू पानी, नींबू नॉर्मल करता है, कंट्रोल में रखता है। बहुत लोग मॉर्निंग में गर्म नींबू पानी पीते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं जाता नींबू पानी, सूट नहीं होता, तो आप इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। रोज़ आपको आधा नींबू तो गर्म पानी या नॉर्मल पानी में आधा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। ऐसे आप एक मंथ में 15 दिन कंटिन्यू करें और बाकी के 15 दिन गैप लें। इस जूस को आपको मॉर्निंग में अल्टरनेट डे लेना है, जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन इसके बाद चाय कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें टेस्टी बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यूज़ करना, शुगरी प्रोडक्ट यूज़ करना, मिल्क ऐड करना अवॉइड कीजिए।